इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? है आपके खिलाफ आपके आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? ब्रजभूषण शरण सिंह जितनी बड़ी हस्ती उतनी ही बड़ी इनके मनमानेपन की लिस्ट, क्योंकि इन्हें गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा ऐसा कि भरे मंच पर पहलवान पर थप्पड़ बरसा देते हैं, एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी पर पिस्टल तान देते हैं, महिला पत्रकार तक के साथ बदसलूकी कर देते हैं। ऐसे में सवाल करने वाले सवाल तो कर ही देते हैं कि इन्हें इतना गुस्सा आता क्यों है। इसका जवाब बड़ा सीधा सा है, मोदी और शाह का आशीर्वाद जो मिला हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश के केसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि 2-4 दिनों में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसी बीच बीते मंगलवार को ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां टाइम्स नाउ की महिला पत्रकार ने चार्जशीट को लेकर जब उनसे सवाल पूछे, एक के बाद एक कई सवाल पूछे, इन सवालों में से उन्होंने किसी का भी तरीके से ढंग से जवाब नहीं दिया। लेकिन जैसे ही उनसे इस्तीफा देने को लेकर सवाल महिला पत्रकार ने दागा तो वो भड़क गए। उसके बाद जो कुछ हुआ वह आप इस वीडियो में खुद ही देख लीजिए। क्या आप अभी इस्तीफा देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा नहीं देंगे। क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? छह आपके खिलाफ आपके आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? छह आपके खिलाफ केसेस दायर हो चुके, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब भी आपने प्रोटीन सप्लीमेंट देने के इस पे क्या हमारे माइक। सो दिस वाज ब्रजभूषण शरण सिंह हु जस्ट मिसबिहेव्ड विद द मीडिया पर्सन्स एंड ही हैज जस्ट यू नो व्हाइल वी वर स्पीकिंग टू हिम ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड, ही बिहेव्ड इन अ रूड मैनर एंड दैट इज व्हाट द ब्रजभूषण शरण सिंह द बीजेपी एमपी हु इज अक्यूज्ड ऑफ द एलिजेड सेक्सुअल हैरेसमेंट चार्जेस बाय द टॉप रेसलर्स ऑफ द कंट्री। अब यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महिला पत्रकार के साथ हुई बदसलूकी पर सियासी गलियारों में भी हंगामा मचा हुआ है। पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोपी एक भाजपाई सांसद लाइव कैमरे पर एक महिला पत्रकार को धमका रहा है, बदतमीजी कर रहा है, माइक आईडी तोड़ते हुए देखा जा रहा है। तो ऐसे में सवाल तो उठता है कि क्या देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नायक पीएम मोदी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे कि वायरल वीडियो में ये शब्द किसके हैं, किसके संस्कार हैं ये? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? छह आपके खिलाफ आपके आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? छह आपके खिलाफ। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।